नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरो द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ खुशहाल और मस्त होगा। डियर, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से दो तीन प्रश्न बनते हैं। डियर, ये टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों का, और राष्ट्रीय उद्यानों का हम बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे। लगभग 40-50 प्रश्न हम यहां से आपको करवाएंगे। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देखिए। कोई भी आप प्रतियोगी एग्जाम देने जा रहे हैं तो राष्ट्रीय उद्यान से एक दो नंबर के प्रश्न हर एग्जाम में मिलते हैं, चाहे वो जैसा भी एग्जाम हो। डियर, तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक देखें। पहली बार चैनल पर जितने भी लोग आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। डियर, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, मुगल गर्मियों में छुट्टी बिताने किस राष्ट्रीय उद्यान में आते थे? काजीरंगा, मानस, माधव या इनमें से कोई नहीं। तो जो मुगल थे, मुगल लोग जब गर्मियों में छुट्टी बिताने आते थे तो वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में आते थे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डियर, आपको पता है काजीरंगा ये असम में पड़ता है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए है, और मानस जो है ये भी असम में ही पड़ता है। डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या जंगली हाथियों के लिए? तो जो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है ये केरल में पड़ता है और ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। डियर, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पेरियार केरल में पड़ता है और केरल में ही शांत घाटी भी है। डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। और केरल जो है सतत विकास सूचकांक में अभी टॉप पर कायम होने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये भी आप नोट रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कार्बेट या केबुल लामजाओ? तो जो राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता वो केबुल लामजाओ है। डियर, केबुल लामजाओ ये एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में है। डियर, मणिपुर याद रखिएगा। बात आई है मणिपुर की तो बता दें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, और अभी मणिपुर की एक शेरनी ने भारत के ओलंपिक टोक्यो में जो चल रहे हैं उसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और भारत का नाम रोशन किया है। मीराबाई चानू, उसका भी नाम आप याद रखिएगा, मीराबाई चानू, जिन्होंने अभी सिल्वर मेडल ढील कर ओलंपिक में भारत का परचम लहराया है। डियर, वो भी मणिपुर की ही हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गेंडा के लिए राष्ट्रीय जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? गिर गुजरात, काजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान या कार्बेट उत्तराखंड? तो जो एक सिंह वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में पड़ता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए। इस प्रश्न से आपको और जानकारी ये मिल रही है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है, रणथंभौर कहाँ है राजस्थान में है, कार्बेट कहाँ है उत्तराखंड में। तो प्रश्न को बिल्कुल शिद्दत से समझते हुए चलिए। डियर, बात करते हैं एक अगले प्रश्न की। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? भरतपुर, गिर वन, काजीरंगा या नीलगिरी? तो जो भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास है वो काजीरंगा असम में है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डियर, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड? तो बता दें डियर, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, मध्य प्रदेश, जिसे हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। आज जो है टाइगर दिवस है, 29 जुलाई को ही हम जो है प्रतिवर्ष विश्व टाइगर दिवस या बाघ दिवस मनाते हैं। वर्तमान में बता दूं सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, 526 टाइगर इस समय मध्य प्रदेश में है, और इसके बाद जो है कर्नाटक में 524 टाइगर हैं दूसरे स्थान पर है, और तीसरा जो स्थान आता है टाइगरों के मामले में वो आता है उत्तराखंड राज्य का। और वर्तमान में भारत में कुल टाइगरों की संख्या अगर बात की जाए तो 2975 टाइगर वर्तमान में अभी जनगणना के हिसाब से हैं, यानी कि आप 3000 टाइगर वर्तमान में भारत में निवास करते हैं। डियर, इतनी चीज़ें आप शिद्दत से नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो बता दें डियर, जो कान्हा नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ये मांडला से लगभग 40 किलोमीटर आगे कान्हा नेशनल पार्क पड़ता है। डियर, तो डी ऑप्शन मध्य प्रदेश, कान्हा नेशनल पार्क, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
पेरियार वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण केरल में पड़ता है डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। तो जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है डियर, ये स्थित है सिक्किम में, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो जो दुधवा नेशनल पार्क है डियर, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मणिपुर, कुआलालंपुर, विलासपुर या दिसपुर में। तो जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है वो मणिपुर में है, और मणिपुर में उस पार्क का नाम है केबुल लामजाओ, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट या मानस। तो जो 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो जो जिम कार्बेट है डियर, ये पड़ता है उत्तराखंड में, लेकिन ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं है, तो आप उत्तराखंड से जो आधी सीमा उसकी मध्य प्रदेश से भी अटैच होती है जिम कार्बेट की, तो जब ऑप्शन में उत्तराखंड ना मिले तो आप मध्य प्रदेश को मार दीजिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो बता दें डियर, जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में पड़ता है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये बाघों के लिए एक जो है आरक्षित वन क्षेत्र है डियर, तो राजस्थान याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय या हिमाचल प्रदेश। तो जो नंदा देवी है डियर, ये स्थित है उत्तराखंड में, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई? नीलगिरी, नंदा देवी, हजारीबाग या कान्हा में। तो भारत में जो प्रथम जैव मंडल की रचना हुई थी डियर, जो भारत में प्रथम जैव मंडल की रचना हुई थी, मैं आपको बता दूं वो हुई थी नीलगिरी में, नीलगिरी का नाम नोट कर लीजिएगा, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी में हुआ था, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भारतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत में जो 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आज इसी हेली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है डियर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या सिक्किम। तो जो गिर नेशनल पार्क है डियर, ये गुजरात में पड़ता है, जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। याद रखिएगा शिद्दत से, आज हम बिल्कुल एक एक जो है अभ्यारण वन्य जीव अभ्यारण का बिल्कुल क्लीन स्वीप वीडियो बना रहे हैं, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको शामिल मिलेंगे डियर। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो जो नंदा देवी जीव मंडल है डियर, ये उत्तराखंड में पड़ता है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है उत्तराखंड की, तो बता दें उत्तराखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, और वहाँ के राज्यपाल अभी हाल ही में जो है बेबी रानी मौर्या जी हैं, और उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पहला जो है लाइकेन पार्क स्थापित किया गया था, इतनी चीज़ें आप नोट रखिएगा उत्तराखंड से। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। तो नागरहोल हो या वनरकट्टा हो या कुद्रेमुखा हो, ये सारे नेशनल पार्क आपके कर्नाटक में पड़ते हैं, याद रखिएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। तो भरतपुर जो पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ पड़ता है भरतपुर? तो आप कहेंगे साहब राजस्थान में पड़ता है, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, सिमलीपाल
सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? सिमलीपाल उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र या असम? तो जो सिमलीपाल जैव मंडल है डियर, ये स्थित है उड़ीसा में। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, उड़ीसा में है सिमलीपाल, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, गंगा सागर द्वीप या पोर्ट ब्लेयर? तो बता दें जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है डियर, ये पोर्ट ब्लेयर में है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ, किसकी राजधानी है? तो बताएंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप की है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले कि वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश में। अकेले मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दूसरे स्थान पर आता है 9 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ। तीसरे पर अब असम बन गया है, क्योंकि अभी हाल ही में देहिंग पटकई जो है जोड़ करके असम को तीसरा राज्य बना दिया गया, भारत का सबसे ज्यादा जो है वन जीव अभ्यारण्य वाला राज्य। नोट काउंट कर लीजिएगा, इतनी चीजें सिद्धत से एकदम। बात करती हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, जिम कार्बेट या मानस? तो जो सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो जो बुक्सा बाघ परियोजना है डियर, वो भारत के पश्चिम बंगाल से रिलेट करती है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो बता दें पश्चिम बंगाल में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, और यहाँ के राज्यपाल अभी जो है जगदीप धनखड़ हैं डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, झारखंड या छत्तीसगढ़? तो जो मानस नेशनल पार्क है ये पड़ता है असम में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है असम की, तो बता दें असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। असम जो है, असम में ही एक सिंह वाले गैंडे का जो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा भी पड़ता है, मैं आपको बता चुका हूँ। नामेरी नेशनल पार्क भी असम में ही पड़ता है, राजा जी नेशनल पार्क भी असम में पड़ता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? बैनगंगा, रामगंगा, यमुना या बेतवा? तो बता दें डियर जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है इससे जो नदी बहती है वो है रामगंगा नदी। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वो प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? वेलवाड़ा नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, वांदीपुर नेशनल पार्क या कार्बेट नेशनल पार्क? तो भारत में जो सबसे पहला नेशनल पार्क था वो कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट हेली था, जो कि उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नाम दफा नेशनल पार्क है मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में? तो बता दें डियर जो नाम दफा नेशनल पार्क है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? चुरू, नागपुर, जयपुर, जैसलमेर? तो जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है डियर ये जैसलमेर में पड़ता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 75, 96, 116 या 104? तो बता दें वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान 104 हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट कर लीजिएगा। ये थे टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक तरीके से आपको बता दूं बिल्कुल जो है वन जीव अभ्यारण का एक क्लीन स्वीप वीडियो था। एक एक नेशनल पार्कों को मैंने आपको शिद्दत से समझाया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में दमदारी के साथ शेयर करें, लाइक करें, और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।